हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। मैं हूं अभी यूवी निशान पे। तो ये फरीदाबाद में निशान के डीलरशिप है। तो लोकेशन और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है शोरूम का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये नीलम चौक का मेट्रो स्टेशन भी है। आज है 2 दिसंबर और निशान ने अपनी मैग्नाइट अपने डीलरशिप से लॉन्च कर दिए। गाड़ी हालांकि पहले ही आ गई थी, जो मीडिया ड्राइव थी वो हो गई थी, बट हम आए हैं कार को कवर करने। क्या है ओवरव्यू, क्या है गाड़ी कैसी है अंदर से और बाहर से, तो आपको मैं गाड़ी का एक पूरा वॉक अराउंड देने वाला हूँ और थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल भी देने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि निशान मैग्नाइट में क्या करा है। ये एक सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी है, वो बात हम अंदर चल के करते हैं। ये वाला जो वेरिएंट है, ये 1 लीटर टर्बो वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन पेट्रोल मैनुअल। आइए देखते हैं गाड़ी कैसी है, क्या है। सब्सक्राइब करें सैयद समीर को कार और बाइक की वीडियो देखने के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। तो ये है गाड़ी की कुछ की लॉक अनलॉक और यहाँ पे एक निशान का लोगो आता है। तो इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अगर फ्रंट से स्टार्ट करें तो ये है काफ़ी बड़ी सी ग्रिल, आपको बीच में निशान का लोगो मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये क्रोम की सराउंडिंग में मिल जाएगी। जो ग्रिल है वो ग्रे या ब्लैक वाला टच दे रखा है, मैट वाला कलर है। और नीचे देख सकते हो आप ये स्किड प्लेट। अगर लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको आता है LED हेडलैम्प, जो कि कुछ इस शेप में है। यहाँ की तरफ आपको DRL दे रखा है और नीचे की तरफ है फॉग लैम्प। तो आपको 8 कलर ऑप्शन मिल जाता है। अगर व्हील साइजेस की बात करें तो ये डायमंड कट अलॉय व्हील है, 195/60R16 इंच का इसमें अलॉय व्हील आता है। आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक आते हैं। तो चलते हैं ड्राइवर डोर की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे निशान मैग्नाइट लिखा हुआ है और ये 3D टच है। जो ORVMs हैं वो ग्लॉस ब्लैक हैं और यहाँ पे आपको ये LED टर्न इंडिकेटर दे रखा है। एक और चीज़ है इस कार की कि इसमें आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है, या 360 डिग्री व्यू कह सकते हो। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे एक कैमरा छुपा हुआ है, पीछे की तरफ भी है। तो वो एक चीज़ है। जो हैंडल्स हैं वो क्रोम में है। तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हो रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है और की भी आप इसमें लगा सकते हो। अगर डोर की तरफ देखें तो यहाँ पे ये है फैब्रिक जो कि सॉफ्ट टच है। और इस तरफ आपको ये मिलेंगे पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक ORVM करने के कंट्रोल, और एक है बॉटल होल्डर। और यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है, 4 स्पीकर आते हैं कार में और 2 ट्विटर आते हैं। और ऐसा दिखता है कुछ ड्राइवर वाला जो एरिया है। अगर कार के अंदर चल के देखें तो कुछ इस तरीके से है ये। जो डोर बंद करते हैं तो जो साउंड है वो भी आप देख सकते हो ठीक ठाक से आ रहा है। तो स्टेयरिंग पे आपको बटन्स मिल जाएंगे। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल आता है, इस तरफ आपको मीडिया के कंट्रोल्स आते हैं। और ये थोड़ा सा फ्लैट है नीचे से, यहाँ पे आपको ये सिल्वर टच दे रखा है, बीच में निशान का लोगो है। तो ये आप देख सकते हो ये पूरा ही डिजिटल है, इसमें आपको कोई भी एनालॉग वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। और बीच में इसको मेरे ख्याल से चेंज भी कर सकते हैं ना, अलग अलग उसमें मोड्स वगैरह भी आते हैं इसमें? नहीं सर, इसमें मोड्स। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इससे ये टॉगल होता है। तो अभी आप ये वाली स्क्रीन देख रहे हो, अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ पे ये फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है कि क्या आपको एवरेज मिल रहा है। इस तरफ आपको दिखाएगा ड्राइव कंप्यूटर, मतलब ये ड्राइवर की ड्राइव इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि कितनी कितनी चल सकती है, जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला फीचर होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कई गाड़ियों में ये अभी भी मिसिंग है। अगर इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो वो एक चीज़ है, बाकी इसको आप इस तरीके से कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ये पूरा एक TFT पैनल है। अगर इस तरफ आएँ तो ये AC वेंट है, ये काफ़ी लैम्बोर्गिनी वाले डिज़ाइन दे रखे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा टच दे रखा है। अगर क्वालिटी की बात करें तो पूरा हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे थोड़ा कार्बन फाइबर सॉर्ट ऑफ फिनिश दे रखा है। ये 8 इंच की टच स्क्रीन सर, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं कहूँ इसमें अराउंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम कार में रखा गया है। तो अगर आप क्लच पे पैर रखिए और अगर बैक गियर लगाते हैं तो आपको इसमें अराउंड व्यू मॉनिटर देखने को मिलता है, जो कि दूसरी किसी कार्स में नहीं है। ये तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ये साइड के जो भी लेफ्ट राइट और बैक एंड फ्रंट। हाँ, और अगर मैं कैमरा पे क्लिक करूँ तो वो आपको साइड मॉनिटरिंग दिखा देता है आपको। अगर आपको ये रियर का है, अगर जी ये आपका रियर का है और ये आपका साइड मॉनिटरिंग का है, तो इसमें ये फीचर भी है सर। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है और ये रहा बटन, पीछे भी इसके वेंट्स हैं, तो वहाँ चल के हम वो बात करेंगे। इस तरफ आपको फ़ोन रखने का स्पेस दे रखा है, कोई एक वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी। स्टार्ट स्टॉप काफ़ी नए पोजीशन पे दे रखा है, तो अच्छा लग रहा है। कई लोग यहाँ छुपा के देते हैं कई ब्रांड्स, तो सही नहीं लगता। नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB और ये है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। आर्मरेस्ट जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट सा दे रखा है, अगर आपको स्टोरेज वगैरह ढूंढ रहे हो तो वो इसमें नहीं मिलेगी। जो सीट की फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं 5
मिनट से पिछली सीट पर बैठा हूँ तो ठीक ही लग रही है। खैर ये चीज़ आप इतनी जल्दी नहीं बता सकते, और अगर मैं इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ तो पीछे का स्पेस कैसा है वो हम अभी चल के देखते हैं। और बाकी ये है कुछ IRVM, इस तरफ अगर आप देखोगे तो मिरर मिलता है, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो भी मिरर मिलता है, और लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। यह है एक माइक, तो वो एक चीज़ है। पर डोर की तरफ देखें तो यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल हैं। ये है आपका एक अगेन सॉफ्ट फैब्रिक, और इस तरफ आप देख सकते हो बॉटल होल्डर है, और डोर आपका इतना खुलता है अगर मैं कार के अंदर बैठूँ तो। आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी थी। अगर सीटिंग एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो ये है, कुछ अगर हेडरूम की बात करूँ तो इतना हेडरूम है। मेरी हाइट 5'10" है और मैं कुछ इस तरीके से बैठा हूँ, तो ये आप देख सकते हो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट ठीक है। इस सेगमेंट में और भी गाड़ियों में बैठा हूँ तो उसमें यहाँ यहाँ तक रहता है, तो वो एक चीज़ है। आगे की तरफ आपको ये मैगजीन होल्डर दे रखा है, थोड़ी सी स्कूप डाउन सीट है। अगर नीचे की तरफ पैर डालना चाहो तो कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हो। रियर एसी वेंट्स हैं, और अगेन एक 12V का सॉकेट है, और बस यहाँ के लिए इतना ही है। बीच में कोई भी बम्प नहीं है, तो तीन लोग आराम से बैठ जाएंगे। अगर इधर देखें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद ट्विन कप होल्डर, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो। अगर 3 पीपल की बात करें तो आराम से यहाँ पे वो बैठ सकते हैं, क्योंकि बीच में आपको कोई भी हम्प या बम्प नहीं मिलेगा, तो ऐसे करके आप बैठ जाओगे। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं इस तरफ के, बट बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं आते। पीछे की तरफ आपको ये पार्सल ट्रे भी दे रखी है, और वो एक चीज़ है। जो कैबिन है वो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, अगर आप पीछे से देखोगे तो ऐसा लगता है कुछ डैशबोर्ड। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक लाइट भी दे रखी है, अभी ऑन नहीं हो रही है क्योंकि कार ऑफ है, तो वो एक चीज़ है। बाकी बूट खोल के देखते हैं कि क्या बूट का रिस्पांस रहने वाला है। आपको सीट को स्प्लिट करना है, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सामान रखना चाह रहे हो और एक जना बैठना भी चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 60-40 वाला फीचर भी दे रखा है। तो अगर हम वो देखें तो कुछ इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती हैं, वो वाली फ़ोल्ड करना चाहो वो भी कर सकते हो, दोनों करना चाहें दोनों भी हो जाएंगे ना, तो दोनों भी हो जाएंगे। अब देखते हैं बूट स्पेस कितना है। स्पेस 336 लीटर का है ये, और अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो वो है यहाँ पे स्टील व्हील, तो ये 185/65 15 इंच का स्टील व्हील आता है, और ये टायर है C8 का, और बस ये चाहिए। यहाँ पे आपको ये जैक वगैरह दे रखा है, और ये है कुछ बूट स्पेस। पार्सल ट्रे आता है क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसका एक बेस वेरिएंट भी हम कवर करने की सोचेंगे, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ये कैमरा दे रखा है, और ऑन करना है ठीक है। बाकी अगर पीछे से कार को देखें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जो इसके टेल लैंप है ये कुछ इस तरीके से है। मैग्नाइट लिखा हुआ है, काफ़ी फॉन्ट है अलग अलग सा। यहाँ पे अगेन निसान का एक बैज है। रियर वाइपर, डिफॉगर, और यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीना, और जो रूफ रेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। बाकी यहाँ पे एक ये ब्लैक क्लैडिंग दे रखी है, जो कुछ अच्छा सा टच दे रखा है। अगर रियर स्किड प्लेट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, और 4 सेंसर आते हैं पीछे की तरफ, 2 ये हैं और एक उधर है, बस रियर में यही है। नीचे की तरफ ये साइलेंसर की टिप है। तो अभी मैं आ गया हूँ ये पैसेंजर साइड, जो भी को ड्राइवर साइड जिसको हम बोलते हैं। अगर ग्लव बॉक्स देखें तो आप ये देख सकते हो काफ़ी डिसेंट सी स्पेस है इसमें, और काफ़ी डीप है ये, और ये वाला जो मटेरियल है जो टच है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर डोर बंद करके देखें तो वो जो थर्ड वाला नॉइज़ है वो काफ़ी अच्छे से आता है। बाकी ये आप देख सकते हो डोर पे आपको ये डुअल टोन वाला थिंग मिल जाएगा, यहाँ पे ये सिल्वर वाली टच दे रखी है इन्होंने, और बस यही है। तो अगर स्टेयरिंग की बात करें तो ये टिल्ट हो सकती है, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा, तो ऊपर नीचे आप इसको आप कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। एक चीज़ और जो मेरे को ठीक नहीं लगी, जो आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हो इसमें आपको ब्लैक कलर वाला जो क्या बोलते हैं इसको साइड बेजल है बहुत ज़्यादा है, अगर ये थोड़ा सा कम कर देते तो और अच्छा लगता। बाकी ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको मिलता है जो ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट है, ये 1 लीटर टर्बो वेरिएंट है। अगर पावर फिगर की बात करूँ तो 100 PSI पावर बनाता है, 160 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है, और ये टर्बो चार्ज है, मतलब 1 लीटर टर्बो आता है, एक 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आपको मिल जाएगा, और 1 लीटर CVT भी मिल जाएगा जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। बाकी ये कार सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलेगी, डीजल में नहीं आती है। बाकी अगर इंजन देखें तो काफ़ी वेल एंड कॉम्पैक्ट है, ये आप देख सकते हो, और ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन भी मिल जाएगी। अगर मैग्नाइट XV प्रीमियम के प्राइसिंग की बात करें तो 8.45 लाख से एक्स शोरूम मिल जाएगी, और ऑन रोड की बात करें तो वही सम अराउंड 10 लाख के आसपास ही होगी। ये डिफर करता है आप कौन से स्टेट से देख रहे हो, तो वो एक चीज़ है। बाकी ये डीलरशिप फरीदाबाद में थे, अगर आपको ये गाड़ी देखनी है तो नीचे कॉन्टैक्ट में डिटेल है, आप वहाँ पर आके वो देख सकते हो।
और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आपको कार और बाइक के कंटेंट मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो समीर फिकेशन, और अच्छे से राइड करो, अच्छे से कार ड्राइव करो, हेलमेट लगाओ और सीट बेल्ट पहनो। थैंक यू।